हेलो फ्रेंड्स, दिस इज योर वन एंड ओनली बॉडी बिल्डिंग डॉक्टर डॉक्टर निखिल तारी। आज हम लोग बात करने वाले एक नया भूत जो हमारे इंडस्ट्री में आजकल आया है, जिसका नाम है मेटाबॉलिक डैमेज। काफ़ी सारे कोचेस मेटाबॉलिक डैमेज के ऊपर काफ़ी सारे वीडियोस और बहुत कुछ बना रहे हैं, लोगों को डराने की कोशिश कर रहे हैं मेटाबॉलिक डैमेज हो गया करके आपका। ये मेटाबॉलिक डैमेज है क्या, क्यों होता है और उसके क्या नुकसान है, हुआ तो उसे बाहर कैसे आए, देखते हैं। सो लेट्स बिगिन। मेटाबॉलिक डैमेज, वर्स्ट नाइटमेयर एक बॉडी बिल्डिंग एथलीट का ये सबसे वर्स्ट नाइटमेयर है। इसमें क्या होता है, परमानेंट स्लो डाउन ऑफ मेटाबॉलिज्म। आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो परमानेंटली स्लो डाउन हो जाता है, यानी आपका जो मसल गेनिंग का जो मेटाबॉलिज्म है या फैट लॉस का मेटाबॉलिज्म है वो स्लो हो जाता है एकदम। सो डैमेज इज कब होता है, आफ्टर प्रोलॉन्ग डिफिसिट ऑफ एनर्जी। जब आप कॉन्टेस्ट प्रेप कर रहे हैं या प्रोलॉन्ग आप डाइटिंग पे हो, आप वेट लॉस करने की कोशिश कर रहे हो, कंटिन्यूस लो कार्ब पे हो, एक्सरसाइज ज़्यादा कर रहे हो, कम खा रहे हो ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहे हो, कम खा रहे हो ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहे हो, ऐसा करते 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 जो है बॉडी आपका एक रिस्पॉन्स देता है और वो रिस्पॉन्स को बोलते हैं मेटाबॉलिक डैमेज। तो एक्चुअली होता क्या है, लेट्स सी क्या होता है। जब आप डाइटिंग करते हैं और यू आर गेटिंग रेडी फॉर अ कॉम्पिटिशन, आप लो कैलोरीज कंज्यूम करते हैं, यानी आपका जो BMR है उसे आप कम कैलोरीज कंज्यूम करते हैं और ट्रेनिंग ज़्यादा करते हैं, यानी कैलोरी एक्सपेंडिचर ज़्यादा करते हैं। कैलोरी इन रिडक्शन एंड कैलोरी आउट को बढ़ा देते हैं। सो इट्स सो ऑब्वियस कि यू आर गोइंग टू लूज वेट, यू आर गोइंग टू लूज फैट। सो क्या होता है, जब आप ये शुरू करते तो आपको अच्छे रिजल्ट दिखने शुरू हो जाते हैं, गुड रिजल्ट। बट कुछ टाइम के बाद हंगर बढ़ जाता है, भूख लगना, क्रेविंग्स बढ़ जाते हैं और एनर्जी ड्रॉप होने लगता है। ये फेस को बोलते हैं मेटाबॉलिक कंपेंसेशन मोड, यानी बॉडी आपको एक रिस्पॉन्स दे रहा है कि बस अभी मुझे खाना दो, मुझे खाना चाहिए, मुझे खुश रहना है, ब्रेन को खुश रहना है। सो एनर्जी आपकी स्लो कर देता है ताकि वो एनर्जी बचा सके। फिर क्या होता है, आपके रिजल्ट स्लो डाउन हो जाते हैं, आपका जो फैट लॉस का जो प्रोसेस है या जो पेस है वो कम हो जाता है। फिर आप क्या करते हैं, आप और डाइटिंग करते हैं और कार्डियो करते हैं, और डाइटिंग और कार्डियो, ताकि और जल्दी फैट लॉस हो और ज़्यादा से ज़्यादा फैट लॉस हो। फिर क्या होता है, बॉडी उल्टा रिस्पॉन्स नहीं लगता है, यू स्टार्ट फीलिंग सिक, आप बीमार लगते हैं, स्लगिश रहते हैं, अनवेल, अच्छा मूड नहीं रहता है, कुछ काम करने की इच्छा नहीं रहती है, वाटर रिटेंशन होने लगता है, यू फील ब्लोटेड और फिर आपका वेट वापस इंक्रीज होने लगता है। सो इस सिचुएशन में एथलीट जो है कैलोरी रिस्ट्रिक्ट तो किया है, ट्रेनिंग भी ज़्यादा कर रहा है, पर ही इज गेनिंग सम वेट अगेन, इज नॉट लूजिंग फैट। सो ये जो सिचुएशन है इसको बोलते हैं मेटाबॉलिक डैमेज, और कोचेस का कहना है कि ये जो है ये परमानेंट डैमेज है। सो गाइज, इज इट परमानेंट डैमेज, तो मेरा आंसर है नो, ये परमानेंट नहीं है, आपको डरने की कोई बात नहीं। सो ये क्यों होता है, सबसे पहले व्हाई, ओवरडूइंग। एथलीट्स लोग या जो भी काफ़ी मोटिवेटेड है वेट लॉस के लिए, उनको ज़्यादा करने की आदत हो गई, ज़्यादा कार्डियो, ज़्यादा डाइटिंग, ज़्यादा ट्रेनिंग, ज़्यादा ज़्यादा ज़्यादा। कार्बोफोबिया, कार्ब से डर लगता है, कार्ब्स खाने को डर लगता है उनको, कार्ब्स खाएंगे तो उनको लगता है कि फैट इंक्रीज हो जाएगा, सो कार्ब्स ही नहीं खाते वो। मोर उनको लगता है ज़्यादा करेंगे तो ज़्यादा रिजल्ट आएगा, ज़्यादा करेंगे तो ज़्यादा रिजल्ट आएगा। फिर थायराइड शटडाउन, क्या होता है, थायराइड आपका मेटाबॉलिज्म रेगुलेट करता है, सो अगर उसको बॉडी को अच्छा खाना मिलता है तो आपका थायराइड अच्छे से काम करता है, सो आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा रहता है। बट जब बॉडी को खाना कम मिलता है तो बॉडी क्या करता है, थायराइड को स्लगिश कर देता है, थायराइड का फंक्शन कम कर देता है, तो फिर क्या होगा, बॉडी कम एनर्जी यूज़ करने लगेगा। सो बॉडी एक सर्वाइवल मोड के इसमें थायराइड शटडाउन करने की कोशिश करता है। फिर इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ जाती है, इसकी वजह से कॉर्टिसोल बढ़ जाता है, एड्रिनल फटीग हो जाता है, स्ट्रेस हो जाता है, डिप्रेशन आ जाता है, नो मॉनिटरिंग। क्या है कि आप मॉनिटर नहीं करते, आप बस कर रहे, आप मसल लॉस कर रहे हैं कि फैट लॉस कर रहे हैं, आप वाटर गेन रिटेंशन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, सो आपको आइडिया नहीं, आप बस कम खा रहे और भाग रहे, कम खा रहे और भाग रहे। फिर एनाबोलिज्म कम हो जाता है, कैटाबोलिज्म बॉडी में बढ़ जाता है, सो मसल लॉस होने की
चांसेस बढ़ जाती है। फिर आप मोर कैलकुलेटिव रहते हैं, मीन्स ज़्यादा कैलोरीज काउंट करते हैं, मैंने कितना कैलोरीज खाया, पर आपको अंदाजा नहीं है कि आप कैलोरीज कितना बर्न कर रहे हैं। सो मैं पहले भी वीडियो में बताया कि कैलोरीज काउंट करना थोड़ा सा एक डिफिकल्ट टास्क है, बिकॉज आप कितना कैलोरीज बॉडी के अंदर डाल रहे हैं तो आपको मालूम है, पर आप डेली रूटीन में, आपके एक्सरसाइज में आप कितना कैलोरीज बर्न करें उसका आइडिया आप नहीं लगा सकते हो। सर्वाइवल मोड, बॉडी का ये सर्वाइवल मोड है, बॉडी खुद को बचाने की कोशिश करेगा। बॉडी को लग रहा है कि उसको खाना नहीं मिल रहा है, तो हो सकता है बॉडी विल डाई समडे, सो बॉडी ट्राइज टू सेव हिमसेल्फ। सो ये एक सर्वाइवल नेगेटिव फीडबैक है बॉडी का। सो इसको रिस्टोर कैसा करें, मीन्स अगर आपको मेटाबॉलिक डैमेज हो गया है तो इससे बाहर कैसे आया, इसको इसका रेमेडी क्या है। सो कंसल्ट अ गुड फिजिशियन, मोस्टली सम गुड एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, एक अच्छे डॉक्टर या एंडोक्राइनोलॉजिस्ट को मिलो, आपकी प्रॉब्लम्स बताओ, वो आपको जरूर आपको इससे बाहर निकाल सकता है। गेट ऑल योर हॉर्मोन्स इन बैलेंस, सब आपके जो हॉर्मोन्स इम्बैलेंस हो गए हैं, टेस्टोस्टेरोन, कॉर्टिसोल और इंसुलिन और एवरीथिंग, सबको बैलेंस में लेके आओ। कंट्रोल रिफिट, धीरे धीरे कंट्रोल फैशन में बॉडी में कैलोरीज इनटेक बढ़ाते जाओ। कंटिन्यू ट्रेनिंग मत बंद करना, ट्रेनिंग कंटिन्यू रखना। और इसके रेमेडीज क्या है, सबसे पहला ईट इनफ वर्ड को समझो, इट इज नॉट ईट मोर, इट इज नॉट ईट लेस, इट इज ईट इनफ, जितना आपके बॉडी को रिक्वायर्ड है, ईट इनफ। ओके, ग्रीन टी, दिन भर में 4 से 6 कप्स ग्रीन टी पियो, इट विल बूस्ट योर मेटाबॉलिज्म। HIIT, हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग, इसके बारे में हम लोग बाद में वीडियो बनाएंगे। ऑलिव ऑयल आपकी डाइट में ऐड कीजिएगा। मसल मास कर गेन करने की कोशिश किया, सो हैवी वेट कंपाउंड ट्रेनिंग, हाई प्रोटीन डाइट, अच्छा रेस्ट, होल एग्स खाओ, एग वाइट्स एंड एग योक्स दोनों खाओ, कार्ब्स एट नाइट, शाम को 7 बजे का लोग कार्ब्स ही नहीं खाते हैं, पता नहीं क्यों, बट हैव सम कार्ब्स, आप कॉम्प्लेक्स कार्ब्स खाओ। कोई भी आदमी स्वीट पोटैटो, ओट्स और ब्राउन राइस खा के मोटा नहीं होगा, यू अंडरस्टैंड, अगर आप प्रॉपर प्रोपोर्शन में अगर अच्छा क्वालिटी का कार्ब्स खाते हैं, इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू, इट वॉन्ट गेट टर्न इन टू फैट। होल मिल्क पियो, इट इज़ वेरी मच एनाबोलिक। इनफ प्रोटीन, खाने में इनफ प्रोटीन होना चाहिए, ना ज़्यादा ना कम, इनफ, जितना आपका बॉडी का रिक्वायरमेंट है उतना प्रोटीन। होल ग्रेन्स, गार्लिक, नो सोडा कोला ड्रिंक्स, कोला ड्रिंक्स या सोडा ये सब डाइट से निकाल दो। नो एल्कोहल, मीट में आयरन क्वांटिटी अच्छा होता है और बॉडी में आयरन मेटाबॉलिज्म अच्छा खासा बूस्ट करता है, सो रेड मीट खाओ। चॉकलेट ब्रेन को, चॉकलेट जैसे ऐसी कोई चीज़ नहीं जो ब्रेन को खुश कर सके, मीन्स चॉकलेट इज द बेस्ट फूड फॉर योर ब्रेन शुड बी हैप्पी। आपका ब्रेन हैप्पी हो जाएगा तो आपका मेटाबॉलिज्म बराबर आपकी जगह पे आएगा, तो हैव सम चॉकलेट, दिन भर चॉकलेट नहीं खाना है। लेंटिल्स, नट्स, वॉलनट्स, एलमंड्स, सैल्मन फिश, उसमें अच्छा खासा ओमेगा 3 फैटी एसिड्स रहता है। कॉफ़ी पियो बट लिमिटेड, ज़्यादा भी कॉफ़ी मत पियो, दिन में 2 से 3 कप कॉफ़ी इज मोर देन इनफ। एप्पल विल हेल्प, योगर्ट, एवोकाडो, ब्रोकली, वाटर इंटेक बढ़ाओ, बहुत सारा पानी पियो तो वाटर रिटेंशन ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। वीकली चीट मील, आप पूरा हफ्ता रिस्ट्रिक्टेड डाइट पे हो पर हफ्ते में एक बार एक चीट मील रखो, जो मन चाहे वो खाओ, बॉडी को खुश रखो, ब्रेन को खुश रखो, ब्रेन शुड बी हैप्पी, कि वो ऐसा क्रेविंग्स ना होते रहे, अरे मुझे ये खाना है, मुझे वो खाना है, पर हम जबरदस्ती बॉडी को फोर्स करके रखें कि मत खाओ। वीकली एक चीट मील तो बनता ही है। लाफ, बी हैप्पी, खुश रहो, हंसो, आप हंसोगे योर ब्रेन विल बी हैप्पी, ऑटोमेटिकली आपका मेटाबॉलिज्म किक स्टार्ट होगा एंड यू विल बी इन एनाबॉलिक कंडीशन। मेडिटेशन करो, बॉडी में से माइंड में से स्ट्रेस हटा दो, स्ट्रेस इज वेरी मच कैटाबॉलिक।
स्टॉप फियरिंग काव्स, काव से डरने की कोई जरूरत नहीं है गाइस। काव्स डू गेट कन्वर्ट इनटू फैट बट द एक्सेस काव्स, बॉडी को चलने के लिए, बॉडी को काम करने के लिए कुछ काव्स की जरूरत रहती है। यू कांट गो जीरो काव्स, बॉडी को काव्स दो और जो एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट्स रहता है डेट विल गेट स्टोर्ड इनटू फैट, सो यू डोंट हैव टू फियर काव्स, ओके। एंड हाई क्वालिटी कॉम्प्लेक्स काव्स जल्दी फैट में कन्वर्ट नहीं होता है। यस, डाइट में शुगर और ये सब ऐड मत करो, बट कॉम्प्लेक्स काव्स यू कैन हैव इन एवरी मील। ZMS, आपकी नींद अच्छी होगी, ग्रोथ हार्मोन रिलीज वगैरह अच्छा होगा आपका। स्लीप 7 से 10 घंटे, अच्छी क्वालिटी नींद दिन भर में। विटामिन डी सप्लीमेंटेशन कीजिएगा। स्लीप अर्ली, जल्द से जल्द सोने की कोशिश कीजिएगा। आप जितना जल्दी सोएंगे डेट इज मोर एनाबॉलिक। शट डाउन योर फोन कंप्यूटर्स टीवी, आपको सोना है तो सोने के घंटा डेढ़ घंटा पहले यू शुड शट डाउन ऑल द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। रात को फोन देखते देखते सोना नहीं है आपको, सो डीप स्लीप में जाने के लिए आपको उतना ही टाइम लगेगा। एक घंटे पहले आप फोन कंप्यूटर्स टीवी बंद करो, रीड सम बुक्स, लिसन टू सम म्यूजिक, एंड यस स्टॉप काउंटिंग कैलोरीज, डोंट मेक योर लाइफ स्ट्रेसफुल। मैं इतना कैलोरीज खाया, मैं उतना कैलोरीज खाया, यू डोंट हैव टू वरी। अगर आपका हेल्दी फूड है, आपके प्लेट में प्रॉपर प्रोपोर्शन में आप खाना खा रहे हो, यू वॉन्ट गेट फैट। सी गाइज, बॉडी में एनाबोलिज्म होना बहुत जरूरी है फॉर बॉडी बिल्डिंग, सो यू हैव टू ईट बिफोर यू गेट हंग्री एंड यू हैव टू ड्रिंक बिफोर यू गेट थर्स्टी। ये बात हमेशा आप याद रखिएगा। सो गाइज, दिस इज ऑल अबाउट द मेटाबोलिक डैमेज, इट इज एब्सोल्युटली नॉट परमानेंट, कोई भी इससे बाहर आ सकता है, इसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे बताइए। इफ यू लाइक इट प्रेस द लाइक बटन, डू शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स, हो सकता है किसी की हेल्प हो, और डू सब्सक्राइब माई चैनल, देयर इज लॉट मोर टू कम। टिल देन, बाय।